नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल एजु टारगेट में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि डीआरडीओ के अंदर सेप्टम की रिक्रूटमेंट आ रखी है, जिसमें एडवर्टाइजमेंट आया है हाल फिलहाल कुछ एक दो दिन पहले ही, जिसमें आपको मैं बता दूं कि बंपर वैकेंसीज है, मोर देन अराउंड 1900 वैकेंसीज अप्रॉक्सीमेटली आई हुई है, जिसके अंदर जो डिप्लोमा होल्डर्स, बीएससी इंजीनियर्स, आईटीआई, ट्रेड्समैन, अलग अलग ट्रेड्स की अलग अलग रिक्रूटमेंट आ रखी है। सभी डिपार्टमेंट में अलग अलग, जो जैसे सिविल की, इलेक्ट्रिकल की, मैकेनिकल की, कंप्यूटर साइंस की, सबकी रिक्रूटमेंट है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके अंदर क्या है और आप कब से कब तक इसको भर सकते हैं और आपका एग्ज़ाम कब तक होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे मैं पहले बता दूं कि डीआरडीओ के अंदर ये वैकेंसीज आई हुई है, जिसमें जिसको अपन बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर ये सेप्टम 10 DRTC यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकल केडर के लिए ये रिक्रूटमेंट आ रखी है, जो कि स्टार्ट होगी आपकी कब से। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके जो स्टार्ट होंगे वो 3rd September 2022 से स्टार्ट होकर के 23rd September 2022 तक ये एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, जिसके अंदर जो पे स्केल है इसमें दो तरीके की पोस्ट है। एक है, देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जो कि अच्छी लेवल की पोस्ट होती है, जिसको Level 6 की पोस्ट माना गया है। ओके, ग्रुप बी पोस्ट होती है, नॉन गैजेटेड होती है, नॉन मिनिस्ट्रियल है। ओके, और नेक्स्ट वैकेंसी जो आ रखी है वो है टेक्नीशियन की पोस्ट आ रखी है, वो ग्रुप सी पोस्ट होती है। तो अलग अलग है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी, यानी कि ग्रुप बी पोस्ट की, जिसका जो पे स्केल है Level 6 है, 35,000 से लेकर के 1,12,000 के अराउंड रहेगा। एज लिमिट इसकी जो है वो है आपकी 18 साल से लेकर के 25 साल के बीच में। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो क्या है, बैचलर डिग्री इन साइंस और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और एलाइड सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट यानी AICTE के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। इसमें यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर कुछ लिख भी रखा है अच्छे से, नॉट इसमें देख BTech वाले एलिजिबल हैं या नहीं है वो इसमें यहाँ पर अच्छे से क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है, कैंडिडेट्स मस्ट हैव एक्वायर द EQR एज अ क्वेरी डेट ऑफ द एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट दे आर अप्लाइंग, कैंडिडेट हु रिजल्ट ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन अवेटिंग और क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी, यानी कि जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले आपकी एलिजिबिलिटी आप पास हो जाना चाहिए, आर नॉट एलिजिबल एंड हेंस शुड नॉट अप्लाई। BSc कैंडिडेट्स मस्ट हैव रीड द रिक्वायरमेंट सब्जेक्टेड फॉर एटलीस्ट 2 ईयर इन द कोर्स ऑफ BSc प्रोग्राम। प्लीज़ नोट दैट द कैंडिडेट पजेसिंग हायर क्वालिफिकेशन MSc, BTech, BE और PhD डिग्री ETC आर और क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द रिक्रूटमेंट। यानी कि जो मतलब इसमें जो BSc मांग रखी है तो सिर्फ BSc वाले ही एलिजिबल है उस पोस्ट के लिए, BTech वाले या हायर डिग्री वाले एलिजिबल नहीं है। लेकिन जहाँ पर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मांग रखा है वहाँ पर BTech वाले भी एलिजिबल होते हैं। नॉर्मली यही देखा गया है। अब वो तो जब आपके फॉर्म आप भरने स्टार्ट होंगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें भरने में आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन फिलहाल अभी इन्होंने बता दिया है कि हायर डिग्री वाले एलिजिबल नहीं है। लेकिन मैं जहाँ तक, मेरे को जहाँ तक लगता है कि जिस इसमें, क्योंकि अलग अलग पोस्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं BSc डिग्री इन एग्रीकल्चर, तो यहाँ पर BSc एग्रीकल्चर वाले ही एलिजिबल हैं ओनली। यहाँ पर देखिए और भी है, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर BTech वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट में। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, है ना। डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसी तरीके से डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग की वो पोस्ट भी आ रखी है, 25 पोस्ट सिविल की है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की 17 पोस्ट है, मैकेनिकल की 15 पोस्ट है, एग्रीकल्चर की 10 पोस्ट है। BSc इन केमिस्ट्री के अंदर आपकी 58 पोस्टें हैं। इसी तरीके से टोटल पोस्टें, इसमें काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट हैं आप देख सकते हैं, तो इसमें टोटल पोस्ट जो है 1,075 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं इसके अंदर। वहीं पर सेकंड जो इसमें रिक्रूटमेंट है वो है टेक्नीशियन ग्रेड ए की, जो कि ग्रुप सी नॉन गेजेटेड एंड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, जिसके अंदर जो इसका जो पे मैट्रिक्स है वो Level 2 का है। अकॉर्डिंग टू 7 CPC एज लिमिट इसके अंदर भी 18 to 28 ईयर है। और रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST OBC को। इसमें एजेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो क्या है, 10th क्लास पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड और इंस्टीट्यूट, एंड सेकंड सर्टिफिकेट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग यानी ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास में। और अलग अलग रिक्रूटमेंट है अलग अलग ITI के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंगली, जैसे कि ऑटोमोबाइल के अंदर है आपके पास में वैकेंसी है, जनरल की 5 वैकेंसी है, बुक बाइंडर की आपकी 20 वैकेंसीज है, कारपेंटर की 12 है, CNC ऑपरेटर की 9 है, ऑपरेटर की है 139 वैकेंसी,
इसी तरीके से आपकी इलेक्ट्रिकल डेस्कटॉप ऑपरेटर, अलग अलग वैकेंसीज आ रखी है। मेंटेनेंस सिस्टम मैकेनिक की आ रखी है 113 वैकेंसी आ रखी है। आईटीआई फिटर की आ रखी है 127 वैकेंसीज। ओके, ग्राइंडर की 7 वैकेंसी आ रखी है। मैकेनिक्स ट्रेडर की आ रखी है आपकी 89 वैकेंसी। इसी तरीके से टोटल काफ़ी सारी वैकेंसी है, 826 वैकेंसीज हैं अलग अलग ट्रेड के अंदर, जो कि बोला जाए तो अराउंड 1900 टोटल वैकेंसीज बनती है दोनों को मिला लिया जाए तो। ये बम्पर वैकेंसीज है इस तरीके का अपॉर्चुनिटी, और वो भी डीआरडीओ जैसे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत ही रेपुटेटेड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का। इसके अंदर अगर आपको काम करने का मौका मिलता है तो अपने आप में एक बड़ी बात होती है फ्रेंड्स। ओके, तो इसमें फर्दर अपन बात कर लेते हैं क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा। इसकी एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताई दी है। ओके, मेडिकल आपकी फिटनेस टेस्ट भी होगा इसके अंदर। ओके, इसमें दो तरीके के एग्जाम, इसमें आपके एग्जाम सेंटर्स हैं, ऑल अराउंड 39 एग्जाम सेंटर्स हैं इसके अंदर आपके पास में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड बी की, तो उसके अंदर आपके दो टेस्ट होंगे। फर्स्ट होगा सीबीटी स्क्रीन टेस्ट, जिसके अंदर आपके आएगा, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, जिसके मार्क्स आपके ऐड नहीं होंगे सिलेक्शन के लिए, लेकिन आपको उसको क्वालिफाई करना होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा, एबिलिटी आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज आएगा एंड जनरल साइंस के 120 क्वेश्चन यानी 120 मार्क्स के आएंगे, जो कि 90 मिनट्स में आपको करने होंगे। CBT 2, जो कि सिलेक्शन के लिए जिसके मार्क्स आपके जुड़ेंगे, वो है टेस्ट स्पेसिफिक टू सब्जेक्टेड टू पोस्ट कोड, जो आप पोस्ट जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसके रिगार्डिंग वो सब क्वेश्चन आएंगे, जो कि 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के, 90 मिनट्स में आपको करने होंगे। तो इससे आपकी जो मेरिट बनेगी वो आपकी CBT 2 के अकॉर्डिंगली मेरिट आपकी बनेगी, 100 मार्क्स में से आपकी मेरिट बनेगी। ओके फ्रेंड्स, वहीं अगर मैं टेक्नीशियन यानी ग्रुप सी पोस्ट की बात करता हूँ, तो इसमें भी दो, इसमें दो दो एग्जाम हो गए। फर्स्ट हो गए CBT। ओके, ये होगा प्रोविजनल सिलेक्शन, जो आपका जो मेरिट बनेगी वो CBT 1 के अकॉर्डिंग बनेगी। इसमें भी जो आपके जो सिलेबस सेम है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड ओके एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, और जो सेक्शन बी है इसके अंदर स्पेसिफिक ट्रेड एंड डिसिप्लिनरी पोस्ट कोड, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके भी आपके क्वेश्चन आएंगे। 40 + 80 टोटल 120 मार्क्स का, जो 90 मिनट्स में आपको करना होगा। सेकेंड इसका जो टेस्ट होगा वो आपका सिलेक्शन होने के बाद में, यानी आपकी जब लिस्ट आ जाएगी, क्वालिफाइंग लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद में ट्रेड टेस्ट होगा आपका, जो कि स्पेसिफिक टू ट्रेड डिसिप्लिनरी और पोस्ट कोड। ट्रेड टेस्ट विल बी ऑफ आईटीआई लेवल इन द रिलेटेड ट्रेड टू टेस्ट द प्रैक्टिकल स्किल ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि आपके प्रैक्टिकल स्किल्स को टेस्ट करने के लिए ये ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, जो कि आपको सबको क्वालिफाई करना कंपलसरी होगा, जो नहीं क्वालिफाई कर पाएगा उसको हटा दिया जाएगा रिक्रूटमेंट से। द टेस्ट द ट्रेड टेस्ट मे बी ऑफ द अबाउट ओके 1 to 2 hours ड्यूरेशन, 1 से 2 घंटे का होगा, कोई फिक्स ड्यूरेशन इसका नहीं रहता। ओके, तो ये आपका टेस्ट का था। ओके, सब कुछ आपको दे ही रखा है। फर्दर एनी क्वेरी होती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ओके, कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट होता है इसके रिगार्डिंग तो मैं आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा। और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए, ताकि उनको भी इस रिक्रूटमेंट के बारे में पता चल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।